नर्सरी में एडमिशन लेना अब आईआईटी में एडमिशन लेने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पर ये हम नहीं बल्कि ये फॉर्मर शार्क टैंक जज और भारत पे के फाउंडर का कहना है। कुछ टाइम पहले अश्नीर ग्रोवर का ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ था और ये ट्वीट काफी पेरेंट्स को रिलेटेबल लगा। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियन अपने सोशल मीडिया पे शेयर किए। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि नर्सरी स्कूल फीस कॉलेज फीस से भी कहीं ज्यादा है और ये सिर्फ प्रेस्टीज का मामला है, क्योंकि कई लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूल में सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भेजते हैं। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि एजुकेशन सिर्फ बिजनेस बन के रह गया है और कल्चरल एंड फंडामेंटल ग्रोथ पर फोकस नहीं है। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि नर्सरी स्कूल का नाम भी कभी नहीं पूछा जाता। तो आखिर ये नर्सरी स्कूल एडमिशंस इतने कॉम्पिटिटिव क्यों है, इसका क्या इम्पैक्ट है पेरेंट्स और बच्चों पर, और इससे कैसे डील करना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नर्सरी स्कूल एडमिशन का जो ट्रेंड हम आज देख रहे हैं वो हमेशा से नहीं था। नर्सरी स्कूल या प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट इंडिया में मारिया मोंटेसरी लेकर आई थी। मारिया मोंटेसरी एक इटालियन फिजिशियन और एजुकेटर थी जिन्होंने इंडिया में प्री स्कूल्स की फाउंडेशन रखी। ये 1939 में इंडिया आई थी और वहीं से इंडिया में प्री स्कूल एजुकेशन शुरू हो गई। फिर इंडिपेंडेंस के बाद नर्सरी एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन का एक जरूरी हिस्सा माना जाने लगा। गवर्नमेंट ने भी नर्सरी स्कूल्स और आंगनवाड़ी को भी प्रमोट किया ताकि बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिले, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर थे, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स ने भी नर्सरी एजुकेशन में एंट्री की। पर प्राइवेट स्कूल्स ने नर्सरी एजुकेशन को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा और अपनी ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए नर्सरी एडमिशंस में बहुत सारे क्राइटेरियाज एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कर दिए। उन्होंने फीस, डोनेशंस, इंटरव्यूज, टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स जैसे हर्डल्स क्रिएट किए ताकि सिर्फ वो ही बच्चे एडमिशन ले सकें जो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। इस तरह से नर्सरी स्कूल एडमिशंस एक स्टेटस सिंबल बन के रह चुके और पेरेंट्स तो ऑलरेडी अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में डालना चाहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर उनके बच्चे एक अच्छे नर्सरी स्कूल में पढ़ेंगे और उनको आगे जाके एक अच्छे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में एडमिशंस मिल जाएंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या नर्सरी स्कूल एडमिशंस इतने कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए? क्या ये सही है कि हम अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्र में इतना प्रेशर दें? देखिए, नर्सरी स्कूल एडमिशंस इतने कॉम्पिटिटिव है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। चलिए हम इन फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लिमिटेड सीट्स। सी, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से नर्सरी स्कूल्स बहुत ही कम है। हर साल लाखों बच्चे नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट सिर्फ कुछ हजार ही होती हैं। इसलिए नर्सरी स्कूल्स की बहुत ही डिमांड होती है लेकिन सप्लाई बहुत कम। दूसरा फैक्टर है पेरेंटल एस्पिरेशन। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छी जॉब और सैलरी पाए, इसलिए वो अपने बच्चों को बेस्ट नर्सरी स्कूल में डालना चाहते हैं ताकि उनकी शुरू से ही अच्छी एकेडमिक और करियर ग्रोथ हो। वो सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा एक रेपुटेड नर्सरी स्कूल में पढ़ेगा तो उसको आगे जाके एक अच्छे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में इजीली एडमिशन मिलेगा और उसकी हायर स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा फैक्टर है क्वालिटी एजुकेशन। आजकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है और कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा है, इसलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को नर्सरी स्कूल से ही क्वालिटी एजुकेशन मिले जिसमें उनको उनकी बेसिक स्किल्स, मॉरल वैल्यूज, सोशल स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी चीजें सिखाई जाए। हर पेरेंट ये ही सोचता है कि ये चीजें उनके बच्चों को फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाएगी। नर्सरी स्कूल एडमिशंस इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं जिस वजह से थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस पेरेंट्स और बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती। नर्सरी स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होते हैं। हर स्कूल्स के अपने अपने अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें इंटरव्यूज, असेसमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने और अपने बच्चे के बारे में पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स देनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा देना पड़ता है। दूसरा स्टेप है इंटरव्यू। आपके बच्चे को स्कूल में जाकर इंटरव्यू देना पड़ता है। मेनली इस इंटरव्यू का पर्पस ये जानना होता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर क्लास एनवायरनमेंट के लिए ठीक है भी या नहीं।
कई बार हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कूल में जाकर असेसमेंट देनी पड़े। इन असेसमेंट्स में आपके बच्चों को कुछ एक्टिविटीज करनी होती है, इसमें उनकी कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर, सोशल और इमोशनल स्किल्स टेस्ट की जाती है। आपके बच्चे को कलर्स, शेप्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स और ड्राइंग, पेंटिंग्स, डांसिंग जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज भी करनी होती है। स्टेप 3, पेरेंट्स इंटरव्यू। अब सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। मेनली इसमें आपको अपने बच्चे के बारे में बताना होता है कि वो क्या पसंद करता है और क्या नहीं, कैसे बिहेव करता है और कैसे लर्न करता है, एक्सेट्रा। आपको अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बताना होता है। इन स्टेप्स के अलावा हो सकता है कि कहीं स्कूल लॉटरी सिस्टम भी चालू करें, सो मेक श्योर कि आपको फॉर्म सबमिट करने की सारी डेडलाइंस पहले से ही पता हो। इन सभी स्टेप्स के बाद अगर आपके बच्चे की एडमिशन्स हो जाती है तो आपको एडमिशन ऑफर मिलता है, जिसे आपको एक्सेप्ट करके कंफर्मेशन लेटर भेजना होता है। ये स्टेप्स बहुत ज्यादा तो नहीं थे, पर इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडिया में नर्सरी स्कूल्स एडमिशंस का कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हर जगह के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं और हर स्कूल्स का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इसलिए पेरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्कूल कौन सी एज लिमिट या एलिजिबिलिटी मानता है। कुछ स्कूल्स 2.5 साल के बच्चे को नर्सरी क्लास में एडमिट करते हैं तो कुछ स्कूल्स 3 साल के बच्चों को। दूसरा चैलेंज होता है हाई फीस और एक्सपेंसेस। नर्सरी स्कूल एडमिशन में आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको एप्लीकेशन फीस, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, डोनेशंस, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे चार्जेस देने पड़ते हैं। इनके अलावा आपको बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट जैसे एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ते हैं। और हो सकता है कि अपने बच्चों को एडमिशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूटोरिंग भी देनी पड़े। इसके बाद तीसरा चैलेंज है कॉम्पिटिटिवनेस। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों के नर्सरी स्कूल में एडमिशन के लिए 50 से 60 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, एंड नर्सरी एडमिशन के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक का खर्चा दिल्ली जैसे शहरों में तो आम बात है। अब ऐसे कॉम्पिटिशन में अपने मनपसंद स्कूल में एडमिशन लेना ऑब्वियसली काफी चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए नर्सरी स्कूल एडमिशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली मिडिल क्लास पेरेंट्स पर। पेरेंट्स को हर साल लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अपने बच्चों की नर्सरी एजुकेशन पर। अपनी सेविंग्स या इनकम से ये सब पैसा अरेंज करना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें अपने लाइफस्टाइल एंड प्रायोरिटीज को भी एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड इन रीजंस की वजह से नर्सरी स्कूल एडमिशंस इकोनॉमिकल बर्डन के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल बर्डन भी बनते जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल इसलिए क्योंकि आपके और आपके बच्चों पर बहुत स्ट्रेस और पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि अगर एडमिशन नहीं मिलती है तो आपको अपने बच्चे की परफॉर्मेंस और पोटेंशियल पर डाउट होने लगता है, और तो और अपने पेरेंटिंग स्किल्स और चॉइसेस पर गिल्ट होने लगता है, एंड इवेंचुअली इससे आपकी और आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग सफर करती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम नर्सरी स्कूल्स के एडमिशंस को लेस कॉम्पिटिटिव और मोर इंजॉयबल बना सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल से ही क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं? इसके लिए हमारे पास आपके लिए कुछ सजेशंस हैं जो आपको आपके नर्सरी स्कूल एडमिशन पर हेल्प करेंगे। सबसे पहला सजेशन है कि आप रिसर्च करें। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से नर्सरी स्कूल्स आपके एरिया में अवेलेबल हैं, उनकी फीस क्या है, उनके एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उनकी डेडलाइंस क्या है, उनकी फैसिलिटीज क्या है और उनके रिव्यूज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऑनलाइन सोर्सेज या ऑफलाइन सोर्सेज से भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, प्लान। रिसर्च के बाद आपको ये प्लान करना चाहिए कि आप कौन से नर्सरी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, कितनी सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे, कितना बजट एलोकेट करेंगे, कितना टाइम डेडिकेट करेंगे। आप अपने प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज के हिसाब से ही ये प्लान बना सकते हैं। स्टेप 3, प्रिपेयर। प्लानिंग के बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आप सारे टेस्ट प्रैक्टिस करें, सारे इंटरव्यूज रिहर्स करें। आप अपने बच्चों को भी प्रिपेयर कराएं कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएं और कंफर्टेबल फील करें। लास्टली इट इज इम्पोर्टेंट कि आप रिलैक्स रहें। हाइपर हो जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी नर्वसनेस आपके इंटरव्यू में ही दिखेगी, जो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम कर देगी। एंड अपने साथ साथ अपने बच्चों को सपोर्ट और एनकरेज करें। आप अपने बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक दें और नेगेटिव फीडबैक अवॉइड करें। इन सजेशंस को फॉलो करके आप नर्सरी स्कूल एडमिशंस को लेस कॉम्पिटिटिव और मोर एंजॉयबल बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल से ही क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। अब जल्दी से हमें कॉमेंट करके बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को
नर्सरी स्कूल में भेजने का सोच रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि नर्सरी स्कूल एडमिशंस क्यों इतने कॉम्पिटेटिव है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और न्यू पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें।